हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करें कॉर्पोरेट लॉ की सीरीज, जिसमें हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें फर्स्ट चैप्टर कट आपके सिलेबस में, और सेकंड चैप्टर से हम मीनिंग से उसके डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम कंपनी के मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। एक बार नोट्स में देखने से पहले आप ये देखिए कि कंपनी होता क्या है, कंपनी का मतलब है क्या चीज़। कंपनी मतलब होती है कि जो इंडिविजुअल्स को मिलकर, जैसे कि हम जैसे लोग जो हम पढ़ रहे हैं, हम जैसे लोग आगे जाके जॉब करेंगे, हम जैसे इंडिविजुअल्स को मिलकर जो एक टारगेट अचीव करने के लिए काम करते हैं ना, जो हम सारे मिलकर काम करते हैं, उसको क्या हम मिलकर बन जाती है, कंपनी का पार्ट बन जाती है। ठीक है, जैसे कि कोई कंपनी हुई है एस्टैब्लिश, कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी एस्टैब्लिश हुई है, किस लिए, कोई एक पर्पज़ के लिए एस्टैब्लिश हुई होगी ना। ऐसे तो नहीं कि कुछ भी ऐसी कंपनी बना दी, इतने लोगों को सैलरी देना, कोई ऐसा तो नहीं है। तो उन्होंने कोई चीज़ अचीव करने के लिए कंपनी लोग मिलकर इकट्ठे हुए होंगे, ओके, उसको तभी कंपनी कहा जाता है कि ये कंपनी, इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ है या वर्कर्स है या कुछ भी है। ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मल वर्ड्स में बात करते हैं कि आपको लिखना कैसे है। यहाँ पे मैंने आपको पूरी प्रेजेंटेशन भी दी है नोट्स पे बना के कि आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है और आपको आप नंबर कैसे गेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे द कंपनी का मतलब कहाँ से ड्राइव हुआ, कंपनी से ड्राइव हुआ, एक लेटिन वर्ड है वहाँ, कंपनी से ड्राइव हुआ है। ओके, कंपनी दो को मिलकर इसको ब्रेक करके कंपनीज का मतलब बनता है। कंप और कंपनी को बन के कम मतलब बहुत क्या होता है, टुगेदर, और ये क्या होता है, ब्रेड, मतलब इन दो जो पर्सन जो एकजुट होकर मतलब ग्रुप में काम करते हैं कोई एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, उसको तब मिलके कंपनी का क्या मीनिंग कंप्लीट होता है, उसका मतलब क्रिएट होता है। वहाँ पे आप इससे अच्छा भी डायग्राम बना सकते हो, जिसको बनाना आता है, मेरे दिमाग में यही आया कि तीन चार लोग हैं और जो एक ये इनका ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, ये इनको अचीव करना है। ओके, यहाँ पे कुछ कंपनी से रिलेटेड बातें हैं वो वहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और जो पहले दो पॉइंट्स है वो आप मीनिंग में ये पहले दो पॉइंट लिख सकते हो, बाकी के जो है वो कंपनी के बारे में थोड़े से आपको वो बताए हुए हैं। ओके, कंपनी मतलब होती क्या है, कंपनी ना एक लीगल एंटिटी होती है। इसके करैक्टरिस्टिक्स करोगे ना, करैक्टरिस्टिक्स में पूछे जाते हैं, उससे ना दो क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको सेपरेट वीडियोस में मैं आपको बता दूंगी कैसे कैसे क्वेश्चन में लिखना है और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, मैं साथ साथ वीडियोज़ में बताती जाऊँगी। ठीक है, और कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है, लीगल एंटिटी समझते हो, कंपनी का नाम अलग चीज़ है, वो एक मैं आपको सिंपल बताती हूँ, कंपनी है वो एक अलग है, जो कंपनी कहते हैं कोई भी कंपनी का नाम है, जैसे कोई भी ले लो, मैं ऐसे पर्टिकुलर एक नाम इस चैनल पे नहीं लेना चाहते, कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी है। ठीक है, एक्स वाई जेड कंपनी है और जो उसके एम्प्लॉयज़ है वो अलग है, जो उसके शेयर होल्डर्स है वो अलग है, मतलब कंपनी का नाम एक अलग लेवल पर चला, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है, उससे हम उसके कोई इमोशंस नहीं होते, उसकी कोई हम उसे कोई क्लेम नहीं कर सकते, जो क्लेम कर सकते हैं वो कंपनी के रिजर्व से कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों से कर सकते हैं। कंपनी एक अलग है, इसलिए वो क्या कहते हैं, उसकी एक लीगल एंटिटी, अपनी एक अलग ही पहचान है, और लोगों की कह रहे हैं कि इस कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही लीगल एंटिटी है, इसको भी मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ करूँगी, अभी इतना ही बेसिक समझिए। कंपनी एक लीगल एंटिटी है बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो उसे जो इतने सारे ग्रुप में काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी में, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, वर्कर, लेबर, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट ऐसे क्या उनसे अलग है, टू एंगेज इन ए ग्रुप एंड ऑपरेट ए बिजनेस एंटरप्राइज, लेकिन वो सब क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं एक बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब एक बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं इन द कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। कमर्शियल अलग होते हैं और इंडस्ट्रियल अलग होते हैं, इंडस्ट्रीज में कोई भी आयरन स्टील की इंडस्ट्रीज होगी या टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज होगी, कमर्शियल में कोई भी न्यूज़पेपर चैनल, ऐसे ऐसे चैनल्स हो गए, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। ओके, वो सेटअप करना होता है। कंपनी बिजनेस लाइन डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर, मतलब उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है आपकी, कौन से टाइप के आपने बिजनेस स्टार्ट करके, कौन से टाइप की अपनी कंपनी एस्टैब्लिश की। कंपनी हर चीज़ की होती है, पेपर की कंपनी होती है, आयरन की कंपनी होती है,
गोल्ड की कंपनी होती है, अलग अलग टाइप की कंपनीज होती है, वो आपके उस पर डिपेंड करता है कौन सी लाइन में हो, ठीक है। स्ट्रक्चर विच आर रेंज वाइज पार्टनरशिप और वो प्रोप्राइटरशिप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई ये कंपनी एस्टेब्लिश कर रखी है, आपने अकेले ने कर रखी है मिलकर, या तीन चार लोगों ने मिलकर कर रखी है, कि आपकी कंपनी की बिजनेस लाइन पे डिपेंड करेगा। कोई आपने स्मॉल लेवल पे कंपनी खोल रखी है, एक लार्ज लेवल पे खोल रखी हो, तो आप ह्यूज इन्वेस्टमेंट है तो आप अकेले भी चला सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको लोग पार्टनरशिप पे चाहिए कि आपके कंपनी में कोई पैसा डाल पाए। ओके, आगे थर्ड पॉइंट आता है कि कंपनी ना आइदर पब्लिक और प्राइवेट कोई भी हो सकती है, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। इसमें यहाँ पे आपको दो टाइप, मतलब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके पब्लिक और प्राइवेट होता है बेसिकली। और ना कंपनी ना बहुत टाइप्स की होती है। नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर है, शायद फोर्थ चैप्टर जो यूनिट फर्स्ट का पार्ट है, वहाँ पर मैं बताऊँगी कैसे कैसे क्वेश्चन कंपनी के भी पूछे जाते हैं आपसे। ओके, और चीज़ एक और चीज़ ये बता दूँ, सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर रिलेट करके आता है, कभी एक चैप्टर में से नहीं आता क्वेश्चन। आप कर लो कंपनी के डेफिनेशन इधर से है तो थर्ड चैप्टर में से आधा पार्ट आके 16 मार्क्स का बन जाता है क्वेश्चन। तो इसलिए साथ साथ सारी वीडियोस कंप्लीट सुनना समझना, मैं साथ साथ एक एक चीज़ बताऊँगी क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। मटीरियल आपकी बुक में थोड़ा बहुत कोई चीज़ों का कम है तो आपको लिखना कैसे एग्ज़ाम में, तो ध्यान से सुनना। ओके, और आगे क्या था, हाँ, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी होती है। द फॉर्मर इशू इक्विटी शेयर टू ए शेयर होल्डर, कंपनी क्या किसको फॉर्मर इक्विटी शेयर देती है, किसके थ्रू देती है, एक एक्सचेंज के थ्रू, जैसे कि अलग अलग सेबी होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ना, उसके थ्रू। सेबी नहीं है, सेबी तो वॉच स्टॉक है, वो मैंने शायद चैप्टर पढ़ा रखा है बट मैंने दूसरे चैनल पर पढ़ा रखा है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज होता है जहाँ पे आप शेयर बाय कर सकते हो कंपनी पे और बेच सकते हो, तो इसलिए। और उसके पास होता है कि वो लेटरली वो अपने नाम पे करे, रेगुलेट करे या ना करे कंपनी के शेयर, वो उसकी मर्जी होती है। किसकी कंपनी, कंपनी की मर्जी होती है, जो उसके डायरेक्टर्स होते हैं वो जो चला रहे होते हैं उनके हाथ में डिसीजन होती है ये चीज़ की, ठीक है। ए कंपनी जनरली ऑर्गेनाइज टू अर्न ए प्रॉफिट, ये तो कॉमन सी बात है कि एक कोई कंपनी एस्टेब्लिश कर रहा है, इतना पैसा लगा रहा है, वो किस लिए कर रहा है, ताकि वो क्या कर पाए, प्रॉफिट अर्न कर पाए ना। उसका जनरली ऑर्गेनाइज इसीलिए करता है, वो इतना सारा अपना दिन का टाइम दे रहा है, किस लिए दे रहा है, इसीलिए दे रहा है। कंपनी आर एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द हेल्थ, सबसे बड़ी बात होती है कि अपने, अगर हम कोई अपना बिजनेस करते हैं ना, तो हम अपने इकोनॉमिक को ना बहुत अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कैसे, कि अगर हम अपनी कंपनी में हर चीज़ की प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं, हमें बाहर से लोगों से इम्पोर्ट नहीं करना पड़ा। ये जनरल नॉलेज की बात है बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ, कहीं पता भी होगा कि अगर हम अपनी कंपनी, अगर हम अपनी हर चीज़ है, पेंसिल है, शॉर्पनर है, बुक्स है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, अगर हम खुद बनाते हैं, कहीं से इंपोर्ट नहीं करते, तो हमारी कंट्री के रिजर्व सेफ रहेंगे। जैसे डॉलर्स हैं, अगर जिस कंट्री के पास ज़्यादा डॉलर्स होते हैं ना, तो वो कंट्री की मतलब एक वर्ल्ड लेवल पर ना इकनॉमी अच्छी गिनी जाती है, कि नहीं इसके पास तो बहुत सारे डॉलर्स हैं, रिजर्व्स इसके डॉलर्स के बहुत अच्छे हैं, जिसको शायद CRP कुछ कहते हैं, मैं इस चीज़ के लिए शोर नहीं है वर्ड को क्या कहते हैं, लेकिन जिसके पास ज़्यादा डॉलर्स होते हैं उसकी हेल्थ मतलब कम इकनॉमी की हेल्थ बहुत अच्छी गिनी जाती है। तो इसलिए अगर हमारी कंट्री में ही सारी चीज़ें मिल बन जाएगी, मतलब हम मैन्युफैक्चर करेंगे, तो इससे हमारी इकनॉमी ग्रो करेगी, बाहर से लोग हमसे हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, हमें इंपोर्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी। हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें मतलब क्या होगा, हमारे पास डॉलर्स और आएंगे, तो हमारे रिजर्व बढ़ जाएंगे, किसके, डॉलर्स के। इसलिए यहाँ पे कहा है कि कंपनी आर एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, मतलब बहुत, अगर कंपनी हम खुद सेटअप करते हैं तो हमें हमारी कंपनी को काम मिलेगा बाहर से, हम एक्सपोर्ट करेंगे चीज़ें तो रिजर्व्स आएंगे, तो हमारी कंट्री की इकनॉमी क्या बड़े इकनॉमिक बढ़ जाएगी, ठीक है। एज इम्प्लॉय इंडिविजुअल एंड अट्रैक्ट डिस्पोजल इनकम ऑफ ए सरप्लस, ठीक है, यही बात है। यहाँ पे ना मैंने दो डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, आपको आपकी बुक में ना चार लिखी हुई है, आपको दो तो करके जानी जानी है, बट यहाँ पे मैंने दो लिख दी ताकि जिसमें आप नंबर गेन कर पाए,
अगर आपको आपकी बुक में से भी, ये बुक से लिखी हुई है मैंने, बट आप अपनी बुक्स में से देख लेना, इसके अलावा आपको जो इजी लगे दो याद कर जाना, ठीक है। उसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी की सीरीज़ देखना मत भूलना, मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूँगी, और जिसको PDF चाहिए हो तो पॉसिबल हो तो मैं भी डाल दूँगी, नहीं तो मुझे कमेंट करके याद दिला देना, ठीक है। और जाने से पहले सब्सक्राइब भी कर देना।